तो आ जाइए हमारे दौरे, हम तुझे सारी समझा देंगे। अभी आप बताइए क्या ऐसा किया है मोदी सरकार ने? हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ आदमी। पहले भी इंडिया कहते थे, ये है ही तो भारत, इंडिया में भारत ही, तो भारत उन्होंने कह दिया तो क्या प्रॉब्लम कर दी है? नारायणपुर की सड़कें तो खुद ही पड़ी, कौन कर रहा, सड़कें तभी बन रही हैं, कब से बन रही है? एक बात और मैडम, एक स्पीकर आओ, इंडिया नाम है नहीं, वो तो INDIA है, INDIA। एक दूसरे की टांग खींचे, वो मैं प्रधानमंत्री, वो कहेगा जी मैं प्रधानमंत्री, वो कहेगा जी मैं प्रधानमंत्री। देश भारत या इंडिया, इसी बहस को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस विवाद को हवा तब लगी जब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से एक इनविटेशन कार्ड छपा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां तमाम अपने अपने मत दे रही है। वहीं इस बीच हम पहुंचे हैं कंपनी गार्डन में जनता की राय लेने। आखिर इंडिया वर्सेस भारत पर उनकी क्या राय है? भारत नाम ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, तो बदलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मेंशन है हमारे संविधान में है ये बात। तो क्या कागजों पर अब इंडिया की जगह भारत हो जाएगा, जिस तरह से प्रेसिडेंट और भारत का लेटर, डिनर का जो लेटर, तो उसके बाद ही तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जनता क्या कहती है इस पर? नहीं, अगर भारत हो जाता तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पुरातन नाम हमारे देश का भारत ही रहा है, इंडिया तो बाद में इसको किया गया, लेकिन अगर भारत होता है तो हम तो बहुत खुश होंगे। क्या भारत हो जाने से अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कितना खर्चा होगा? देखिए मामूली खर्चा है, अगर कोई बड़ा चेंज लेना है तो थोड़े बहुत खर्च तो करने पड़ेंगे। क्या नोट भी बदल जाएंगे उसमें खर्चा नहीं होगा? छोटा मोटा खर्चा तो नहीं होता? देखिए नोटबंदी में भी तो खर्चा हुआ, अगर इसमें भी अगर कोई बड़ा चेंज, मोदी सरकार ने ही कराई क्या चुनाव से पहले? ये राजनीतिक मुद्दा जो गलियारों में हलचल कर रहा है, ऐसा क्यों किया गया, क्या लगता है? नहीं, शायद मुझे तो लगता है वो नोटबंदी भी डिसीजन अच्छा था, कि उस समय शायद काला धन जो इतना ज्यादा जमा किया गया था उसको निकालने के लिए नोटबंदी एक अच्छा कदम था। क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, जो हर जगह से नाम हटाकर भारत कर रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया नाम से कोई फर्क पड़ेगा। कल को वो भारत नाम भी कर देंगे कुछ ना कुछ, वो शशि थरूर जी का कल स्टेटमेंट आया भी है कि इसका हम नाम ये कर देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश तो होती ही है, वो कोशिश कर रहे हैं दोनों गठबंधन, अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि दे पाएगा दखल। भारत होना चाहिए, भारत तो होना ही चाहिए, भारत है, होना क्या चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही। क्या कागजों में होगा? इंडिया तो अपभ्रंश नाम है ना, इंडिया एक अपभ्रंश नाम है, पहले हिंदुस्तान से इंडिया बनाया, फिर इंडिगिरे उसे बदला, अपभ्रंश नाम है इंडिया तो, एक उसको भारत ही होना चाहिए, भारत होना। हाँ, इंडिया तो अपभ्रंश नाम है जो अंग्रेजों ने दिया था हिंदुस्तान को, हमारे संविधान में इंडिया नाम ही नहीं था। तो क्या अब जो वर्ल्ड कप की टीम है उनकी जर्सी पर भी भारत लिखा जाएगा? हाँ, लिख जाएंगे, कोई नोट भी बदले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, नोट तो नहीं बदला जाएगा, हाँ जर्सी बदल सकते हैं, इंडिया की जगह भारत, जो पुराने नोट चल रहे हैं आगे भी लिखा होना चाहिए। नहीं, फिलहाल तो नहीं बदले जाएंगे नोट, मेरे ख्याल से जो पुराने नोट है वो नहीं बदलेंगे, नया नोट हो सकता है, नए नोट लिख जाए भारतीय रिजर्व बैंक। अब इंडिया उसमें क्या लिखा था, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा था, इंग्लिश नाम क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, उन्होंने गलत रखा वो तो, गलत नाम दिया गया। अच्छा, पहले से ही सरकार गलत करती आ रही है। नहीं नहीं, नाम गलत होना चाहिए, इंडिया नाम होना ही चाहिए था। अच्छा, इंडिया तो अपभ्रंश नाम जो अंग्रेजों ने दिया था, तो अब बदल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बदल देना बिल्कुल। तो इसका मुद्दा अभी अचानक से क्यों उठा है? अब ये तो सरकारी, देख कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है, हो सकता है राजनीति भी होती है। मोदी जी डर गए हैं? नहीं नहीं, मोदी डरने वाला, मोदी डरने वाले नहीं है जी, वो अकेला शहर है हिंदुस्तान के। तो तंज कसा जा रहा है, हाँ, इंडिया गठबंधन पर? नहीं नहीं, जगह जगह से नाम बदल दिया, इंडिया नाम है नहीं, वो तो INDIA है, INDIA। इंडिया ही प्रशासन, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो उसको इंडिया ही बोलेगा। नहीं नहीं, गलत बोला, क्या आप देखा फ्रांस के ऊपर F. अमेरिका पर A. कहीं देखा नहीं, देखा ना, इंडिया कैसे कर लेगा आप, उसे कैसे कर सकते हैं आप, ताकि टोट लगे हुए हैं। गलियारों में इंडिया गठबंधन का जिक्र होने लगा था, तब जाकर क्या बीजेपी ने इस तरह का मुद्दा उठाया? नहीं नहीं, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं, वो तो पुराना गौरव अपने वापस लाना चाह रहे, पुराना गौरव है भारत में वो लाना वापसी चाह रहे, और वो होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए 100%। सर, किस तरह से देख रहे हैं भारत वर्सेस इंडिया को, क्या देश का नाम बदल देना चाहिए, क्या बदला जाएगा? भारत तो भारत ही रहेगा, कोई अगर विदेशी इंडिया कर दे तो उसका कोई हल नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं,
और भारतीय ही रहेंगे और भारत हमारा महान है और महान ही रहेगा। इतने सालों से हर कागज पर भारत नहीं लिखा जाता, इंडिया लिखा जाता है, अब भारत क्यों? चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से पहले की बात नहीं है, ये मानसिकता है, ये हमारी जो अंग्रेजी की मानसिकता है उसको धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पलतें निकलती जाएंगी ये उनको ठीक करते जाएंगे। क्या बीजेपी डर गई है इंडिया गठबंधन से? बीजेपी बिल्कुल नहीं डरी, बीजेपी से गठबंधन डरा है। किसी तरह से हमारे को सत्ता मिले और हम इनकी जो है ना टांग खिंचाई करें और अपने दो नंबर के पैसे, हेरा फेरी के पैसे सारे के सारे हम इकट्ठे करें। तो ये मुद्दा अचानक से तभी क्यों उठा जब गठबंधन ने अपना नाम बदल के इंडिया कर लिया? गठबंधन बदलता रहे कुछ ही करता है, गठबंधन को तो मुद्दा चाहिए, वो तो कुछ ऐसा काम करेंगे इनको कमजोर करें। फिर क्या होगी 2024 में इंडिया गठबंधन की रणनीति, क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, ये अपना खाए पिएंगे, मौज करेंगे, टांग खींचेंगे एक दूसरे की, एक दूसरे की टांग खींचे, वो मैं प्रधानमंत्री, वो कहेगा जी मैं प्रधानमंत्री, वो कहेगा जी मैं प्रधानमंत्री। देश का नाम भारत किए जाने पर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो क्या लगता है ये सकारात्मक जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा? इकोनॉमी कितनी डाउन हो जाएगी, पैसों को भी बदलना पड़ेगा? कोई इकोनॉमी डाउन नहीं होगी, आप देखें, आप जरा आंकड़े देखें, आपको पता लग जाएगा इकोनॉमिक डाउन बिल्कुल नहीं होगी और ज्यादा बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो प्रतिष्ठा हमारी 9 साल से मोदी जी के आने के बाद से 2014 के बाद से बड़ी है, वो कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारी उम्र इतनी उम्र हो गई देखते हुए, कितनी भी सरकारें आई हैं, महंगाई घटाए आज तक बताए किसके शासन के अंदर महंगाई घटी? महंगाई तो एक जैसे आबादी बढ़ती, आबादी पर अंकुश नहीं लगेगा तो महंगाई कहाँ से घट जाएगी? तो फिर चुनाव से पहले ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें क्यों घटाई गई? एलपीजी की गैस अगर की मुद्दा महंगाई का नहीं है तो चुनाव नहीं, तो जनता की जनता की मांग है ना, जनता की मांग है, उस पर विचार किया जा रहा है। साल होती है तो चुनाव से पहले ही क्यों? आप देखिए कोई भी चीज 10 रुपए की थी, आज 10 साल के अंदर 150 रुपए की है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। एक गाड़ी 5 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई सुनता नहीं था, आज वो 20-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। वहाँ महंगाई नहीं दिखती, आप बाहर में चले जाएं, होटल में चले जाएं, वहाँ 300-300 रुपए का जो प्रभाव होता है वो मिडिल क्लास लोगों पर होता है। मिडिल क्लास लोग तो अपने में पिसते रहेंगे, वो जब से पैदा हुए हैं पिसने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो वो अच्छी जिंदगी नहीं जी, वो जितना कमाते हैं उतना खर्चा हो जाता है। महंगाई से उन लोगों को ही क्यों जूझना पड़ता है? नहीं महंगाई से तो जूझेंगे ही, क्योंकि आमदनी नहीं, आमदनी सारे यही नहीं है कि सिर्फ वही जूझते हैं, महंगाई से तो सारे ही जूझते हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उस पर क्या कहना है? जो विपक्ष आज तक ये तो कर नहीं सका कि अपना पहले एक नेता तो चुन लें, कौन सा नेता है उनका विपक्षी जो ये 20 ओपोजिशन के ऊपर खड़े हुए हैं, बीजेपी डर गई है। जो ये ऑपोजिशन के 20 या 25 जने खड़े हुए हैं, 26 जने खड़े हुए हैं, ये आज तक एक नेता तो चुन नहीं सके। और क्या चुनो ना चुनो, ये नेता चुनो ना चुनो, हाँ सरकार मोदी की आवेगी, बस बात खत्म, बस हम तुझे सारी समझा देंगे। अभी आप बताइए क्या ऐसा किया है मोदी सरकार ने? हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ आदमी, एक मिनट, उनसे पूछो, एक मिनट, हम अनपढ़ आदमी, क्या नहीं कराएगा बताइए? ये 9 साल क्या नहीं करा वर्ल्ड के अंदर? मोदी जी की कितनी शोहरत हैगी ये आप जानते हैं या नहीं जानते? पहले मोदी जी को आंखों पे और हाथों पे उठाते हैं और खुद आके उनके पैरों में पड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और ये अपोजिशन का एक भी नेता मुझे ऐसा दिखा दो जो मोदी जी के बराबर का हो या मोदी जी के साथ का हो। तो देश के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही? मोदी साथ में छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है इसके साथ। पहले भी इंडिया कहते थे, ये है ही तो भारत, तो इंडिया में भारत ही, तो भारत उन्होंने कह दिया तो क्या प्रॉब्लम कर दी? हर जगह के ऊपर भारत है, हर जगह भारत के नाम पर पड़ा भारत। तो आपके हिसाब से मोदी जी ने तरक्की करी है हर जगह? 100% तरक्की। तो मणिपुर के अंदर जो बुरा हाल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जी? मणिपुर में जो बुरा हाल हो रहा है, महिलाओं को नग्न करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए युवाओं में काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। 100% क्यों नहीं दिया गया? इतने समय हो गया है मणिपुर पर, क्यों जवाब नहीं? मणिपुर में सब कुछ करा गया है। मणिपुर का जवाब ये है कि राजस्थान में रोज होता है, कोई नहीं पूछता,
सिर्फ बीजेपी के राज वालों को इनको याद आता है, जब 93 में कांग्रेस का टाइम था तब मणिपुर में वो हाल हुआ था, लोगों को पता भी नहीं है, और आज मीडिया इतनी फास्ट है सबको पता लग रहा है। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई उस पर जवाब नहीं दिया गया सरकार द्वारा, क्या जवाब? अरे भाई मणिपुर में जब संसद में, अच्छा जब मोदी संसद में आया जवाब दे रहे थे नगन अवस्था बात के छोड़ के संसद को वॉकआउट क्यों कर गया था? देखो ठीक है, वॉकआउट क्यों करके गया जब मोदी ने जवाब देना था? मोदी जी ने क्या किया वहां के? लाओ लाओ मैं बताऊंगा, आप वहां जाओ तो पता लगेगा क्या करा। मणिपुर के ऊपर जिस टाइम संसद में मोदी जी बोलने के वास्ते खड़े हुए, विपक्ष छोड़ के भाग जा, सुनने को भी तैयार नहीं हुआ। अच्छा सुनने को तैयार नहीं हुआ? वहां ऐसी खत्ते वहां सुनते बात बैठ के उसके जवाब, विपक्ष वॉकआउट करके क्या पूछ रहे हैं? तो जब संसद इतने दिनों से चल रहा था तो मोदी जी आखिरी दिन ही क्यों आए? अजी थोड़े ना जी इनके बाप का नौकर है जी है तो वो भी सांसद, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी उनका भी फर्ज बनता है। हम भी तो जनता, हम तो अनपढ़ आदमी। हिंदुस्तान भारत एक है, इंडिया तो अलग है। इंडिया अलग किस प्रकार से आपके हिसाब से? इंडिया तो अंग्रेजों का था, पाकिस्तान का था, भारत तो हिंदुस्तान का अपना है। इंडिया का मतलब पता है आपको? इंडिया का मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, यानी कि जो देश हमारा अगस्त में आजाद हुआ था उसका नाम इंडिया है। अगर उनका उसका हिंदी अनुवाद करें तो भारत महान। तो भारत बदल जाने पर क्या कुछ बदलाव नहीं होंगे? बदलाव तो सारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बदलाव? कोई बदलाव नहीं होने, और बढ़िया होगी, और बढ़िया होगी। क्या बढ़िया होगी, कैसे बढ़िया होगी? ये ना पूछो, मोदी का नाम ग्रेट। अच्छा तो वो हर किसी का नाम बदलते रहेंगे अब? अजी सबका नाम बदल, चाहे हमारा नाम बदल दो, हम तो हिंदू भाई हैं, उसके साथ हैं। ऐसा क्यों? हम हमारा मन है उसके साथ जुड़े हुआ। तो विकास मुद्दा नहीं रहेगा? विकास तो विकास होगा, हो रहा है। अरे 9 साल में विकास नहीं हो रहा, कब विकास होगा? विकास हो रहा है, सहारनपुर की सड़कें तो खुद ही पड़ी। कौन कर रहा है सड़कें? नहीं बन रही है, कब से बन रही है? एक बात और मैडम, एक स्पीकर आओ, एक आओ। लेकिन भारत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक हमारा जो है ये हमारा हिंदी देश है, हिंदी नाम है, और इंडिया एक अंग्रेजी नाम हो गया मेरे जहन में है जो। लेकिन उससे अर्थव्यवस्था पे हुई तो काफी फर्क पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था? नाम तो नाम है। जब हर जगह से नाम बदल रहे हैं मोदी सरकार, तो फिर नोटों को भी बदलना पड़ेगा, टीम इंडिया की जर्सी भी बदलनी पड़ेगी, और भी तमाम चीजें हैं। तो वो तो कोई कागजात है जिनके ऊपर इंडिया लिखा हुआ, उसको बदलने वो तो जो जो लिखे जा चुके वो लिखे जा चुके, वो बदले जाएंगे। वो आगे जो है नया जो मामला शुरू होगा आगे से भारत लिखा है। तो उससे पहले ही क्यों इस तरह की टिप्पणी की गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक लेटर जारी हुआ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया? तो ये तो देखो इनके राजनीतिक मामले हैं, इसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर तो कर नहीं सकता। अच्छा, बाकी जो मेरे जहन में थे मैंने आपको बता दिया। तो भारत होना चाहिए, भारत होना चाहिए बिल्कुल। वैसे तो नाम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो इंडिया था जब अंग्रेज आए थे तो इंडिया को गुलाम कर लिया था, तो इसीलिए भारत तो सदियों से चला आ रहा है, तो लोग चाहते हैं कि इसका नाम भारत हो जाए ताकि जो गुलामी थी वो हट जाए। मतलब नाम में जो इंडिया में लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजों का राज है, तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि भारत। लोग चाहते हैं या मोदी जी चाहते हैं? मोदी जी के जो समर्थक है वैसे तो बीजेपी वगैरह ये सब, इनकी यही है कि इसको नाम को बदला जाए। क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है तभी कटास के लिए हर चीजों का नाम बदल दिया जा रहा है? शायद से हाँ, क्योंकि अभी मोदी जी जो बीजेपी है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव है, तो लोग शायद उसी तरफ बहा रहे हैं, जैसे मतलब जो भी वो कह रहे हैं वही हो रहा है। शायद कभी कभार कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे भी हो रही हैं। कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, इंडिया से भारत होना ही चाहिए। भारत क्यों होना चाहिए? भारत क्यों होना चाहिए? भारत इसलिए कि हमारा भारत देश जो है बहुत समृद्ध है, और जो है शुरू से ही भारत का नाम इंडिया में, भारत पूरे देशों में था, तो इसलिए इसका नाम भारत हिंदी में, जैसे आजकल मोदी जी युग चल रहा है तो भारत ही करना चाहिए। क्या भारत को हिंदी के नाम से ही मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इस पर अर्थव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या नोटों को नहीं बदला जाएगा? फिर कितना कुछ प्रभाव हो जाएगा जनता? हाँ जी, नोटों को तो बदलना ही पड़ेगा इनको, जब भारत का नाम चेंज होगा तो नोट पे इंडिया खर्चा नहीं होगा, उसमें खर्चा होगा, अर्थव्यवस्था पे तो फर्क पड़ेगा ही बहुत। तो फिर सारा पब्लिक पे महंगाई बढ़ेगी, ये सारी पब्लिक पे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का तो मुद्दा लगातार जनता भी कहती है, तो क्या अभी महंगाई नहीं है, फिर कितनी हो जाएगी? और इससे ज्यादा बढ़ जाएगी महंगाई तो फिर भारत अच्छा यही नहीं है क्या कि भारत की जगह इंडिया ही यूज होता रहे? वो भी सही है, वैसे इंडिया यूज होता रहे तो आखिर फर्क क्या है इंडिया और भारत में?
कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश का नाम जो है इंडिया है, हिंदी का नाम भारत है। तो फिर इसको बदलने के लिए इतने ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में हवा क्यों चल रही है? बस ये तो सरकार के ऊपर बात है। सभी लोगों से हमने उनकी राय जानी। देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।